जैसे कि हमारे आयुर्वेद में लिखा है कि हमारी सातवीं धातु वीर्य जो कि सेक्सुअल एनर्जी होती है वो हमारे शरीर की सबसे कीमती चीज होती है जो कि एक शक्ति के रूप में कार्य करती है अगर हम चाहे तो। इसलिए हमारे देश में एक प्रथा थी जो कि है ब्रह्मचार्य, जिसको हर कोई फॉलो करता था। सेक्सुअल एनर्जी को सेव करके अपनी बॉडी को शक्तिशाली बनाना, अपने दिमाग को शार्प बनाना, ये ब्रह्मचार्य का ही पार्ट होता है। तो प्राचीन समय में इस एनर्जी को सेव करके शरीर को शक्तिशाली बलशाली बनाया जाता था। आज के समय में हम हद से ज़्यादा खाकर अपने शरीर को चौड़ा कर लेते हैं, वो चीज़ अलग है, लेकिन इस एनर्जी को सेव करके जिसकी मैं बात कर रहा हूँ इससे जो बल बढ़ाया जाता है वो चीज़ अलग है। तो कहने का मतलब पहले के इंसान इस सेक्सुअल एनर्जी को समझते थे, इसको सेव करते थे। सेक्सुअल एनर्जी एक ऐसी शक्ति होती है जो कि हमारी शरीर की असली नींव है, जिस पर हमारा शरीर टिका है। इसलिए हमारे देश में कुछ ऐसी योगा बनाई गई जिससे सेक्सुअल एनर्जी को कंट्रोल किया जा सके, सेक्सुअल एनर्जी को और ज़्यादा शक्तिशाली बनाया जा सके, सेक्सुअल एनर्जी को खून में मिलाया जा सके, यानी कि ऊपर की ओर खींचा जा सके। इसलिए जो आसन मैं आज आपको बताऊंगा वो आसन आप वर्कआउट से पहले या बाद में या फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय कर सकते हो, सिर्फ 20 मिनट शुरुआत में। भुजंगासन, ये आसन इस तरह किया जाता है, आपको लेटना है और फिर उसके बाद सांस भरकर ऊपर की ओर उठना है धीरे धीरे। इसके आपको 4 सेट लगा सकते हो आप शुरुआत में, लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना, जितने भी आसन मैं आपको बता रहा हूँ ये सब रिलैक्स होकर बिल्कुल धीरे से करना, जल्दबाजी नहीं चलती है इनमें। शीर्षासन, वर्कआउट खत्म होने के बाद आप शीर्षासन कर सकते हो। इससे एक तो आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, इसका असली फायदा तब मिलता है जब आप अपनी सेक्सुअल एनर्जी को 84 दिन तक सेव करके रखते हो। सेक्सुअल एनर्जी को 84 दिन सेव करने के बाद वो एनर्जी हमारे खून में मिल जाती है और फिर शीर्षासन करते समय वो खून हमारे सिर में जाता है। तो जब वो खून हमारे सिर में जाता है तो भाई हमारे चेहरे पर ग्लो, आँखों में तेज, दिमाग का शार्प होना, शरीर का मजबूत होना, ये सब होने लगता है अचानक। इस तरह से एक इंसान को शीर्षासन का प्रॉपर फायदा मिलता है। इसके आपको एक एक मिनट के 4 सेट लगाने होते हैं, बहुत होते हैं 4 सेट एक एक मिनट के। देखो सबसे बड़ी दिक्कत होती है काम वासना, जो कि हमारा गोल तोड़ देती है। गोल का क्या मतलब होता है, मान लो किसी ने भी टारगेट रखा कि मैं इतने दिन सेक्सुअल एनर्जी को बचाने की कोशिश करूंगा, लेकिन काम वासना क्या होती है, उस गोल को तोड़ देती है। अब ये काम वासना कहाँ से आई, देखो टेक्नोलॉजी, मोबाइल, मतलब जो मोबाइल में आप अश्लील देखते हो एकदम से अश्लील आ जाता है, टीवी में अश्लील चलता है, कुछ भी ठीक है अश्लील विचार आ जाता है, ऐसा कुछ ही, ये क्या होती है, ये हमारे अंदर काम वासना जगा देती है जिसको इंसान का रोकना मतलब मुश्किल से नामुमकिन तक होता है, ठीक है, यही चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, वो है अकेलापन। अब मान लो मेरे अंदर काम वासना आ भी रही है, लेकिन अगर मैं अपना काम कर रहा हूँ तो वो काम वासना मुझे कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन अगर मैं अकेला पड़ा हूँ ठीक है अपने रूम में और काम वासना आई है तो भाई नामुमकिन है कि मैं उस काम वासना से बच पाऊँगा, ठीक है। तो अकेलापन सबसे बुरा है। अगर मैं बात करूँ गुरुकुल की, तो गुरुकुलों में दोपहर को, मतलब अगर सुबह गुरुकुल में सुबह 4 बजे उठाया जाता है तो 3:40 पे उठाया जाता है, उसके बाद रात तक लेटना भी मना होता है, बैठना लेटना ये सब मना होता है, मतलब पूरा दिन कार्य करना, जो व्यक्ति पूरा दिन कार्य करता रहता है ना वो काम वासना से बच सकता है। रात को तो फिर वो थका आता है काम से, तो फिर रात को तो क्या मतलब एनर्जी वो निकालेगा। तो मतलब ये चीज़ें होती है जो कि काम वासना जगाती है, जो कि सबसे मतलब यही चीज़ हमारा गोल तोड़ती है। इसलिए ब्रह्मचार्य में बोला गया है कि प्राणायाम और मेडिटेशन जरूरी है। प्राणायाम में आपको कुंभक लगाना है, जैसा कि मैं पहले वीडियो में बताता आ रहा हूँ, आलती पालती मारो और अपने सांस को रोक कर रखो जितनी आपके अंदर हिम्मत है। और मेडिटेशन में आप ओम का उच्चारण करो, तो ये 2 योग सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है वज्रासन। देखो वज्रासन में से हमारे टेस्टी सही तरीके से काम करते हैं, जिससे सेक्सुअल एनर्जी इंक्रीज होती है, और जो ऊपर मैंने आपको योग बताई वो सब आपकी सेक्सुअल एनर्जी को ऊपर की ओर खींचती है। तो ये योगा बहुत है, ये सब चीज़ें बहुत है। इसी तरह एक और चीज़ है जो कि मतलब इस चीज़ को, मतलब सेक्सुअल एनर्जी को ऊपर जाने से रोकती है। हाँ बचा लेते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन वो चीज़ सबसे खतरनाक जो कि आज के समय में चल रही है, जिसका नाम है नाइटफॉल, स्वप्न दोष। इसके लिए मैं बोलूँगा कि कोशिश करो पूरा दिन लंगोट पहन कर रखो, रात को सोते समय भी और पूरा दिन भी, और मतलब चिंता छोड़ दो। अगर आप रात को ये सोच कर सोओगे कि भाई सुबह स्वप्न दोष होगा नहीं होगा, तो होगा ही, इसको भूल जाओ। मेडिटेशन करो रात को भी, सुबह जल्दी उठो, 3:40 से पहले उठ जाओ, 3:30 उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ, बस ये 2 चीज़ें बहुत है। बाकी ये योगा मैंने आपको बताई, ये इतनी असरदार है कि जड़ से ख़त्म कर देगी आपके नाइटफॉल को। बाकी अगले वीडियो किस पर चाहिए कमेंट करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।